दिल्ली देश की राजधानी, देश का चेहरा, देश का दिल। रोजाना लाखों लोगों की आवाजाही न रुकती है और न ही रुक सकती है। दिल्ली दौड़ तरक्की की है तो सफर तेज जरूरी है, और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आईना है इस दौड़ का और हमारी तरक्की का। रोजाना 1 लाख से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का आना जाना होता है इस हवाई अड्डे से, जो कि इसे देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बनाता है। दिस आईजे एयरपोर्ट स्टैंड्स वर्ल्ड वाइड नंबर 4 बेस्ट एयरपोर्ट एंड सेकंड बेस्ट इन द कैटेगरी ऑफ 25 to 40 million। दिस टुडे द सिचुएशन वी वेयर वी टुडे दिस हैपेंड आफ्टर 7 years long journey what we did in GMR group in this airport, right from 2006, taking over the existing airports, terminal buildings, modernizing of the existing terminal building while operations are going on, and building brand new terminal building. We understand that the present building, what it stands about 5.5 million square feet, it is 8th largest terminal building in the world. दिल्ली हवाई अड्डे को दुनिया के नक्शे पर चमकाना डायल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, मगर सैकड़ों करोड़ के बजट और हजारों लाखों लोगों की दिन रात की मेहनत ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। सब कुछ किया जाना था वर्ल्ड क्लास का, यानी दोयम दर्जे की कोई गुंजाइश ही नहीं। दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले यात्री को भारत की राजधानी का हवाई अड्डा किसी भी लिहाज से कम ना लगे और हम इस पर फख्र कर सकें। डायल ने इस चुनौती को बखूबी संभाला और कुछ ही वक्त में दिल्ली हवाई अड्डे की सूरत ही बदल गई। पुराने को सवारने की जितनी गुंजाइश थी वो तो की ही गई, ऐतिहासिक नवनिर्माण हुआ। 2008 में नए रनवे, तो अगले ही साल 2009 में टर्मिनल 1D का लोकार्पण हुआ, और फिर इसके बाद वजूद में आया टर्मिनल 3। इस टर्मिनल की खूबसूरती और आधुनिकता के संगम को देश की शान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जिधर निगाह दौड़ाइए, आधुनिक भारत दुनिया को चुनौती देता नजर आता है। मगर बात सिर्फ हवाई अड्डे को आधुनिक बना देने भर की नहीं थी। लाखों लोगों की रोजाना आवाजाही और हर रोज सैकड़ों उड़ानें, सारी सुविधाएं तभी सुखद हैं जब पूरा माहौल सुरक्षित हो, लोगों के मन में सुरक्षा का एहसास हो। सुरक्षा के मामले में निजीकरण का असर नहीं दिखा। डायल ने भी CISF को अपना सहयोगी बनाने का फैसला लिया। One of the key point of this airport, we look at it always as IG airport, is safe and secure for the passengers. Is not only passenger friendly and also make them safe and secure in the airport as far as this airport is concerned. So this is one of the prime criteria when we started this planning of this airport building. Airport duty har mayne mein alag hai. Avval to ye ki yahan sirf aam logon se seedha samvad bhar nahi karna hai, balki yahan ke zyadatar aam yatri bhi zyada sampann, ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा जागरूक होते हैं। CISF ने यूं तो इतने लंबे वक्त में हवाई अड्डों के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लिया है, मगर आज भी हवाई अड्डों पर तैनात जवानों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग खास तौर पर इसीलिए दी जाती है कि वो किस तरह आम और खास हर यात्री की गरिमा का ख्याल रखते हुए अपनी ड्यूटी को पूरी खूबसूरती से अंजाम दे सकें। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जिसमें इन हाउस ट्रेनिंग उनको दी जाती है। बाहर से हम ऐसे एक्सपर्ट्स को बुला करके उनको इसके बारे में बताते हैं, कहाँ वो गलतियाँ कर रहे हैं उस पर हम नज़र रखते हैं, फिर उनको हम बुला के अलग से समझाते हैं
कि आपने कैसी गलती की, आपको पैसेंजर के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए थी और क्यों आप अपने तरीके से पेश नहीं आ सके, और कहाँ आपने अपने आपा खोया, कहाँ आपने पैसेंजर के साथ जाती की, तो लोग भी रियलाइज करते हैं। यूं तो CISF का अनुशासन उसके हर जवान और अफसर को एक अलग पहचान देता है, मगर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग इसमें और निखार ला देती है। एयरपोर्ट ड्यूटी पर जरूरी है यात्रियों के साथ मुस्कुराते हुए संयम से पेश आना। ऐसा होता ही है कि सुरक्षा के नियम कायदों से लोग भड़क जाएं, मगर उन्हें संभालना जवानों को बखूबी आता है। ये साहब अपने केबिन बैगेज में पानी की बोतल ले जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बाहर से किसी भी तरह का लिक्विड ले जाने पर मना ही है। आप इसको पानी बोल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए ये लिक्विड है, और किसी भी कोई लिक्विड का फॉर्म एक्सप्लोजिव का फॉर्म एक जैसा हो सकता है, यानी कोई भी लिक्विड भी एक्सप्लोजिव के फॉर्म में हो सकता है। इसलिए हम पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी अपनी सुरक्षा को पूरा मजबूत रखें और आप लोगों को सुरक्षित रखें। चलिए, मेरे सेफ्टी के लिए आप बता रहे हैं तो चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू। और इस तरह रोजाना तमाम यात्री विदा किए जाते हैं। आजकल के सिनेरियो को देखते हुए, थ्रेट को देखते हुए, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम यात्रियों को बिल्कुल ही ज्यादती के साथ उनके साथ पेश आएँ। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का मतलब ये होता है कि हमारे जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, जिसमें कि यात्रियों की प्रोफाइलिंग होती है, यात्रियों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे जांचा जाए, यात्रियों पे कैसे निगाह रखी जाए, इन चीज़ों के माध्यम से और अपने लोगों के सामने से उनको जाने वक्त किस तरीके से उनकी जांच की जाए, इन सब के माध्यम से हम उन पे पूरी निगाह रखते हैं और उनको सुरक्षा जांच के दायरे से गुजरवाते हैं। प्यार और इज्जत से पेश आने का सबक इनके उस पहलू पर कोई असर नहीं डालता जहां एक पल के लिए भी सतर्कता की अनदेखी नहीं हो सकती। दरअसल हवाई अड्डे की बाहरी सीमा में दाखिल होते ही आप सुरक्षा के दायरे में आ जाते हैं, जहां आपकी एक एक गतिविधि पर पैनी निगाहें रहती हैं। और फिर अंदर दाखिल होने के लिए आपको पासपोर्ट के अलावा वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर सरकार द्वारा जारी कोई एक आईडी दिखानी ही पड़ेगी। बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको दाखिल होना है सुरक्षा के दूसरे दायरे में। यात्री अपने साथ 10 किलो तक का सामान केबिन में लेकर यात्रा कर सकते हैं। सुरक्षा के दूसरे चक्र में प्रवेश पर आपकी और आपके इस सामान की बेहद गहन जांच होती है। इसमें ना कोई जल्दी मुमकिन है, ना कोई हड़बड़ी, मना ही किसी भी तरह के लिक्विड से लेकर छोटी सी कैंची और नेल कटर तक ले जाने पर है। मगर गैर जानकारी में या फिर यूं ही लोग कुछ न कुछ ले ही जाते हैं, और रोजाना भारी मात्रा में ऐसी प्रतिबंधित चीजें जब्त होती हैं जिन्हें CISF निपटारे के लिए डायल को सौंप देती है। कई लोग ऐसे आते हैं जो कि बिजनेसमैन होते हैं, वो पॉलिटिशियन होते हैं, वो फिल्म स्टार होते हैं, और वो अपने ख्यालों में इतने बिजी होते हैं कि वो अपना लैपटॉप यहाँ भूल के चले जाते हैं, वो अपना पर्स भूल के चले जाते हैं, वो अपनी ज्वेलरी से भरा हुआ बैग भूल के चले जाते हैं, वो हार्ड कैश भर के भूल के चले जाते हैं। और आपको ये जान करके बहुत खुशी होगी कि एवरी डे कम से कम 2-3 लैपटॉप, कम से कम 8-10 मोबाइल, कम से कम 50-60 हज़ार कैश, जिसमें कि डॉलर्स भी शामिल होता है, जिसमें पाउंड्स भी होता है, यूरो भी होता है, दुनिया की हर तरह की करेंसी होती है, उसे हमारे लोग पाते हैं ऐसे ही फेंका हुआ, बिखरा हुआ। और फिर हम अपने कैमरे के माध्यम से उस पैसेंजर को ढूंढते हैं कि ये कौन पैसेंजर था जो ये छोड़ करके चला गया है, और पैसेंजर के कंप्लेन आए उससे पहले ही हम उनको ये चीज़ें रिस्टोर करते हैं। यहाँ जांच में जरा सी लापरवाही हाई जैकिंग तक का सबब बन सकती है, लेकिन मजाल है कि चूक हो जाए। यात्री की तलाशी और इस बीच में उसके सामान का एक्सरे, बहुत कम समय होता है ये तय करने के लिए कि सामान में कुछ संदिग्ध है या नहीं। इसमें काम आता है CISF जवानों का खास प्रशिक्षण, RDX से लेकर
एक लोहे की कील तक एक्सरे मशीन की स्क्रीन पर तमाम प्रतिबंधित वस्तुएं किस आकार और रंग की नजर आएंगी, ये एक लंबे प्रशिक्षण में जवानों के दिमाग में भर दिया जाता है। चेक इन के बाद जब आप सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाते हैं, वहाँ पे हमारे अत्यंत ट्रेंड स्टाफ लगा हुआ है, जो कि स्क्रीनिंग का जो कैबिन बैगेज है उसकी स्क्रीनिंग का काम करता है, और जो हमारे अन्य कर्मचारी हैं वो फ्रिस्किंग का काम करते हैं। उनको इस काम के लिए जो नई तकनीक है उसके द्वारा प्रशिक्षित किया गया। ये तो रही केबिन बैगेज की बात। आप जो सामान बोर्डिंग पास लेने के बाद एयरलाइंस के हवाले कराते हैं, उसको लेकर भी कोई हीला हवाली नहीं है। दिल्ली हवाई अड्डे पर डायल के पास है 5-लेवल इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम। जब तक आप सुरक्षा जांच से गुजरकर बोर्डिंग बस में सवार होते हैं, आपका सामान लंबी और गहन जांच से गुजर चुका होता है। हजारों सूटकेस और बैग वगैरह, वक्त भी बेहद कम, लेकिन डायल के प्रशिक्षित और सतर्क स्टाफ की निगाहों से कुछ भी बच नहीं पाता। जिस तरह केबिन बैगेज की सुरक्षा जांच में संदिग्ध वस्तु मिलने पर सामान खुलवाया जाता है, ठीक उसी तरह यहां भी कुछ गड़बड़ मिलने पर डायल यात्री और संबंधित एयरलाइंस के प्रतिनिधि को बुलवाकर सामान खुलवाता है। We have a state of the art 5-level inline baggage screening system installed at IGI Airport, New Delhi. In case any prohibited or banned items are detected in a passenger's baggage, the airline is informed to bring the passenger to level 4. These items are removed from the baggage of the passenger and handed over to the airlines for further disposal as per the directives of BCAS. Just come into the check-in counter, leave the bag there, that's it. It has gone into the multiple screening, the level 1 screening and then level 2 screening, and level 3 is called, one of the called most CT scanning machine. It absolutely slices the bag into pieces and shows that any unwanted material available in the material, in the bag. Today, we almost 60 million bags has been screened in this airport. पूरे हवाई अड्डा परिसर में अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान किन्हीं भी हालात का सामना करने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। आतंकी हमला होने पर कैसे तुरंत पोजीशन लेकर लोगों की जान बचाते हुए हमलावरों को ढेर करना है, इसके लिए इन्हें खास प्रशिक्षण हासिल है। आतंकवादी हवाई अड्डे की तरफ निगाह उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते। ये यकीन 2400 घंटे मुस्तैद CISF की क्विक रिएक्शन टीम्स दिलवाती रहती हैं। ये है CISF का काबिल डॉग स्क्वाड। गजब की क्षमता है सूंघने की। मजाल है कोई संदिग्ध सामान इनके सामने आकर पकड़े जाने से बच जाए। CISF के ये सहयोगी हवाई जहाज के अंदर भी जाकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। विस्फोटक मिल जाए तो उसको कब्जे में लेकर हादसा टालने में भी CISF को महारत हासिल है। रोबोटिक उपकरणों से लैस ये स्क्वाड पलक झपकते किसी भी कोने में पहुंचने के लिए मुस्तैद रहता है। कब्जे में लेने के बाद बम अगर फट भी गया तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। एक बार इस टनल के अंदर जाने के बाद भारी तीव्रता वाला विस्फोटक भी बाहर कुछ असर नहीं डाल सकता। अगर कहा जाए कि हवाई अड्डे का कोई भी कोना CISF की निगाह से नहीं बचा है तो गलत नहीं होगा। 3000 से ज्यादा CCTV कैमरे लाखों वर्ग मीटर में फैले टर्मिनल ही नहीं, 42 किलोमीटर दायरे तक फैली हवाई अड्डे की चार दीवारी पर भी पूरी तरह से निगाह रखते हैं। ये है CCTV कंट्रोल रूम, जहां से कैमरों का एंगल बदलकर या फोकस जूम करके बेहद करीब से किसी भी चेहरे को पढ़ा जा सकता है। यानी हवाई अड्डे की चार दीवारी से लेकर अंदर वेटिंग लॉन्च तक सब कुछ CCTV की निगाह में है। दिस ओनली बिल्डिंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव मोर देन 3100 कैमरास, क्लोज सर्क्यूट कैमरास अवेलेबल इन दिस सिस्टम। व्हाई वी गिवन दिस? दिस गिव्स एब्सोल्युटली मूवमेंट ऑफ द unwanted things have been identified. Some of the cameras, intelligent cameras, if the particular bag has been identified for long, in our airport operation control center, it is called AOCC,
It is the brain of this entire airport. They will get a pop-up. Oh, this bag is lying for so long. Passenger profiling ka bhi hum logon ne shuruaat ki hai, jisme jo koi agar avanchniya gativiti ke liye koi irade se koi aadmi aaya hai, to uski profile se pata lag jata hai agar aadmi is or trained kiya gaya hai. तो उसको हम लोग प्रोफाइलिंग के द्वारा भी उन पे नजर रखते हैं जो लोग भी वहाँ पे आ जा रहे हैं। डायल ने अत्याधुनिक पीआईडी सिस्टम भी सीआईएसएफ को मुहैया करवाया है। फिलहाल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का दूसरा ऐसा हवाई अड्डा है जहाँ ये सिस्टम लगाया गया है। पीआईडी एक ऐसी प्रणाली है जो हवाई अड्डे में घुसपैठ की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। चार दीवारी पर लगे कटीले तारों को खींचने की या उनसे छेड़छाड़ की कोशिश होते ही अलार्म बज उठता है। सुरक्षा अलर्ट के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे उस जगह फोकस कर लेते हैं और समय रहते घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी जाती है। सुरक्षित यात्रा की गारंटी के बीच दुनिया के किसी भी हवाई अड्डे से मुकाबला करती सुविधाएं और माहौल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में लोगों के अनुभव खुद ब खुद सब कुछ बयान करते हैं। CISF is doing tremendous job. बहुत ही अच्छे कर रहे हैं ये जो भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी सिक्योरिटी, बड़े ही एक एक सिपाही इनका, एक एक काम करने वाला इनका, पूरा कटिबद्ध है सिक्योरिटी अच्छी देने के लिए। I feel very safe and secure. It's a nice friendly atmosphere. Yes, it's a nice airport. डायल ने हवाई अड्डे की सूरत बदल कर देश में हवाई सेवाओं के मायने बदल दिए हैं। हवाई अड्डे को और आधुनिक और ज्यादा आरामदेह बनाने की कोशिशें हवाई यात्रियों की रोजाना बढ़ती तादाद के साथ जारी हैं और वहीं CISF हर रोज इस भरोसे को और मजबूत कर रहा है कि वो है तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सुरक्षित हवाई सफर का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।